رندمي. هذا مسجد عائشة، كيف حال؟ يشتري حرام؟ good. yeah. you are from Saudi Arabia. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सालिम रजा और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गोल्डन ब्लॉग। फिलहाल दोस्तों मैं हूं मक्का में उमरा करने के लिए आया हूं। टाइटल देख करके आप लोग समझ गए होंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं पीछे यहां से ये जो बिल्डिंग है यहां से निकला हूं रूम से और अभी मैं आया हूँ मार्केट में। तो सबसे पहले हम जो है अहराम ख़रीदेंगे और अहराम ख़रीदने के बाद हम जाएँगे सबसे पहले मस्जिद आयशा, वहीं पर हम अहराम बांधेंगे। उसके बाद आएँगे तवाफ करने के लिए, काबे का तवाफ करेंगे और उसके बाद में चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अहराम ख़रीद लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ का जो मार्केट है ना ये, और देखिए साइड में ये यहाँ का मार्केट है। अभी हम टैक्सी के इंतजार में हैं, यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और जाएंगे मस्जिद आयशा। तो यहाँ पर एक टैक्सी आकर के रुक गई है और ये जो पैसे मांग रहे हैं ये 50 रियाल मांग रहे हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा लगे। तो अभी हम दूसरी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, कोई और दूसरी टैक्सी आती है तो उससे निकलते हैं मस्जिद आयशा। और फिलहाल यहाँ का व्यू देखिए इस तरीके का, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और देखिए इधर की साइड में भी काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। 25 रियाल कह रहे हैं इसीलिए, चलो तो 50 बताए थे, 25 रियाल में बात हो गई, चलिए बैठते हैं। चलिए चलो, तो अभी हम बैठ चुके हैं टैक्सी में और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले हम जाएंगे मस्जिद आयशा और अभी हमने यहाँ से जो अहराम ख़रीदा नहीं है, हम वहीं से अहराम ख़रीदेंगे। तो चलिए तो अभी जो है ना यहाँ बारिश हुई थी मक्का में, आप लोग देख सकते हैं बारिश के बाद में मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है। यहाँ पर आप लोग ऊपर भी साइड में देखिए कितने सारे बादल आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मस्जिद आयशा और चलिए पैसे देते हैं और आते बाहर 50 रुपये। तो हाफिज नाजिम ने पैसे दे दिए हैं। तो यहाँ का देखिए शानदार व्यू, अभी जो मौसम है ना बहुत सही हो गया है बारिश होने के बाद में, तो यहाँ का जो व्यू है कुछ इस तरीके का है। इधर देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये है मस्जिद आयशा, मस्जिद आयशा है ये। अब चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी हम आ चुके हैं मस्जिद आयशा के लगभग बिल्कुल ही करीब में, यहाँ पर सामने से हम लेंगे अहराम और उसके बाद में तो
हां भाई क्या हाल है ये गा भाई हां एहराम कपड़ा हम कल मेरा जो ब्रो 15 ना रमजान चालू है हां भाई هذا مسجد عائشة كيف حال يشتري إحرام good هذا 100% كلنا فران name your name my name is أحمد الغامدي are you from مكة are you from مكة oh good तो अभी यहाँ से हम إحرام من الدار और हम कितने बता रहे ये दो في غير فانس ولا كويس कितने प्राइस طب انت شوف الحين هذا 10 هذا في مقاس على كيفك في 40 في 42 100 ايش يبغى ثاني؟ كذا هذا طيب عندك حتى في موجود مصري ما في 40 مشكله حق المصري في 40 كله هذا ابيض؟ حكم انا ابعد عنه شفت معك شيل انا موجود ايزر والله واحد باقي 10 في هذا باقي 5 ريال يا مدير ايوه خلاص 100 بزوره ما في ترى هيك شوف هيك بزوره غير حرام هلال شوف حرام هنا ما لا ما فيك ريال هيك ممكن 5 ريال ما في سمسم غالي ولا رخيص ولا الحمد لله بس جوز كم واحد तो फिलहाल दोस्तों एहराम ख़रीद लिया है ये एहराम पड़ा 40 रियाल का और अभी चलते हैं इधर मस्जिद आयशा में और एहराम बांधते हैं फिर जाते हैं हरम शरीफ यानी कि मक्का का तवाफ़ करने के लिए और अभी देखिए यहाँ का जो व्यू है ना वो कुछ इस तरीके का व्यू है तो अभी दोस्तों एहराम बांध लिया है अभी हम नमाज़ अदा करेंगे तो उम्रे की नियत दोस्तों हमने पहले ही कर ली थी अभी हमने एहराम बांध लिया है अभी हम दो रकात नमाज मस्जिद आयशा में पढ़ेंगे और देखिए इधर से ये मस्जिद आयशा तरीके से दिखती है ऐसे मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है और अभी हम जो है नमाज अदा करने जा रहे हैं बाकी आप लोग देख सकते हैं अभी हम मस्जिद से आयशा के परिसर में दाखिल हो चुके हैं देखिए यहाँ से ये मस्जिद आयशा है और इधर की साइड में अंदर चलेंगे तो सबसे पहले चप्पल उतार देते हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये मस्जिद आयशा Mm-hmm.
अभी हमने उमरा की पुनिशन नमाज पढ़ ली है और अभी हम चल रहे हैं मस्जिद हरम। और अभी यहाँ पर हम हरम शरीफ के लिए दो टिकट ले रहे हैं, यहाँ पर ये टिकट मिलते हैं हरम शरीफ के लिए। कितने का? कितने का? 4 रियाल। 10 रियाल में दो? तो फिलहाल दोस्तों हमने मस्जिद आयशा से नमाज अदा कर ली है और उमरा की नियत भी कर ली है, उमरा के दो निफल नमाज अदा कर ली है। तो अभी हम जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ और यहाँ से हमें लेना होता है टिकट से, ये शायद हरम शरीफ के लिए यही बस है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ। ये हरम शरीफ के लिए बस है ना, तो ये हरम शरीफ जाने के लिए बस है। देखिए काफ़ी लंबी बस होती है इस तरीके से, और अभी देखिए लाइन में लग जाते हैं और चलते हैं। और लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का व्यू है। ये देखिए मस्जिद ऐसे में यहाँ से हमने नमाज अदा की थी और देखिए यहाँ से शानदार व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मक्का का। तो अभी दोस्तों हम बस से उतर रहे हैं, ये है टर्मिनल 1। तो फिलहाल दोस्तों हम बस से बाहर आ गए, ये टर्मिनल 1 है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी जाएंगे हम देखिए उधर की साइड में मक्का शरीफ, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा ये मक्का टावर। उधर की साइड से हम जाएंगे। भाई साहब अभी एक लड़का मिला, वो मक्का से था तो वो कैमरे में आना चाह रहा था, तो मैंने उसको दिखा दिया। और देखिए यहाँ से अब इस तरीके से ये होते हैं कपड़े के होते हैं शायद, ये छतरियाँ सी बनी होती है ना ताकि धूप वगैरह से बच सकें, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज़ पड़ती है, तो इसलिए धूप से बचाव के लिए ये लगा रखी है छतरी टाइप की। और दो रास्ते हैं, एक जाने का है एक इधर आने का है। अभी सामने आप लोग देख सकते हैं कितना हसीन गेट बन रहा है, ये हरम शरीफ जाने के लिए इधर की साइड काम चल रहा है। और देखिए अभी हम थोड़ा और करीब पहुंच चुके हैं हरम शरीफ की, और देखिए सामने बिल्डिंग कितनी बड़ी बड़ी है, ये वाली होटल है। अभी हम पहुंच चुके हैं हुदूद हरम में, यहाँ पर अभी बारिश पड़ी थी बहुत तेज़ तो अभी भीग गए थे। और इधर की साइड में आप लोग देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स,
और देखिए इधर की साइड में ये हरम शरीफ इधर काबा है, काबा शरीफ इधर की साइड में, और देखिए यहाँ से ये मक्का टावर, आप लोग देख सकते हैं ये मक्का टावर है। और अभी हम फिर से वुज़ू करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो ये जाना है भाई सऊदी के हैं, और इनकी बाइक देखो हंसते हुए जा रही है मुस्कुराते हुए। तो यहाँ पर ना आने के बाद पता चला कि ब्लॉगर की थोड़ी इज्जत होती है। अभी जो मैंने आपको दिखाए थे ना, ये सऊदी के रहने वाले, कोई सऊदी शेख थे जो कि कैमरा देखने के बाद में थोड़ी रिस्पेक्ट मिली यहाँ, बहुत अच्छा फील करा। फिलहाल आप लोग फिर से व्यू चेक करें इधर की साइड में, ठीक है, साइड में आप लोग उससे कटावर। الله اكبر الله اكبر الله اكبر